यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल ताकतें, कुछ पॉलिटिकल लोग अपने पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करके, अपने पॉलिटिकल पावर का दुरुपयोग करके यहाँ पे आदिवासी समाज के जो शहीदों के स्मारक के साथ साथ में और भी कई मूर्तियाँ लगवा रहे हैं। और इन आज हम लोग यहाँ पर मानगढ़ हिल स्टेशन, जो आधा गुजरात में और आधा राजस्थान में है, उस जगह पर खड़े हुए हैं। मेरे पीछे ये जो स्मारक आपको दिखाई दे रहा है, ये स्मारक जो है वो भारत के इतिहास में बहुत बड़ी कुर्बानी देने वाले आदिवासी समाज के 1507 शहीदों के याद में बना हुआ ये स्मारक है। हम लोग आज यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पर 1913 में आदिवासी समाज के 1507 लोग जो शहीद हुए, वो उनकी शहादत जो है उसकी याद में ये सारे स्मारक बने हुए हैं, स्मृति चिन्ह बने हुए हैं। ये स्मारक और स्मृति चिन्ह तो होने चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल ताकतें, कुछ पॉलिटिकल लोग अपने पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करके, अपने पॉलिटिकल पावर का दुरुपयोग करके यहाँ पे आदिवासी समाज के जो शहीदों के स्मारक के साथ साथ में और भी कई मूर्तियाँ लगवा रहे हैं। और इन बात का गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तीन जो स्टेट है यहाँ अगल बगल के, वो तीनों स्टेट में इसके खिलाफ जो है लोगों की आवाज़ बुलंद हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर इसको कोई यात्राधाम के हिसाब से अगर विकसित किया जाता है, ये जगह कोई यात्राधाम बन जाती है, तो उससे ये होता है कि आदिवासियों का शहादत का जो इतिहास है वो इतिहास जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सारे आदिवासी समाज के लोगों की ये मांग है कि आदिवासी समाज के इतने भव्य इतिहास के साथ कोई किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ न की जाए, और यदि किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाती है तो ये आदिवासी जो जिनको आज तक लोग बहरा मूंगा समझती थी, अब ये सारे आदिवासी लोग यहाँ के जाग चुके हैं और पूरा सही तरीके से, कानूनन तरीक़ों से उसका जवाब देने के लिए सारे लोग रेडी हैं। इसीलिए आज़ादी के इतिहास में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, उन लोगों के इतिहास के साथ किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ कोई पॉलिटिकल आदमी या कोई पॉलिटिकल राजकीय गुलाम न करें, ये उनको चेतावनी देते हैं। इसके लिए हमने जिला प्रशासन को गुजरात में एक आवेदन दिया है और सारे राजस्थान या अगल बगल के जितने भी ज़िले हैं वो सारे ज़िलों में आवेदन देने का एक सिलसिला जो है अभी चल रहा है। वो सिलसिले के ज़रिए और सोशल मीडिया पे भी इसका ज़ोर शोर से प्रचार हो रहा है, सारे लोग जान रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अब ये 1507 लोगों के यहाँ पे स्मारक बने, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की धार्मिक भावनाओं से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो धार्मिक भावनाएं हमारे 1507 आदिवासी समाज के लोग जो थे उनके इतिहास के साथ जरा सा उनका इतिहास नष्ट करने के प्रयास के उनका जो मेंटालिटी है उस मेंटालिटी के साथ अगर किया जाता है तो उससे हमारा बहुत बड़ा विरोध है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये काम जो है वो तुरंत ये सारी ताकतें जो मिल करके कर रही वो बंद कर दे, नहीं बंद करेगी तो इसका खामियाजा, इसका परिणाम जो है वो भुगतने के लिए तैयार रहें। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सरकार, भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सरकार बिना धर्म के ही काम करती है और सरकार सारे लोगों के लिए सुविधाएं खड़ी करती हैं, लेकिन किसी धार्मिक स्थलों का एस्टैब्लिशमेंट करना ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। किसी धर्म में मानने वाले लोग जो हैं वो कार्य कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसमें उसके रूप से सहाय कर सकती है, हेल्प कर सकती है, उसको उसके धर्म का प्रचार प्रसार करने का सभी लोगों को अधिकार है, लेकिन सरकार ये काम नहीं कर सकती है। ये सारी जगह जो है, ये मानगढ़ हिल स्टेशन है, ये सरकारी जगह है और आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, जो लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं उनकी याद में स्मृति चिन्ह बने हुए हैं और इन्हीं के स्मृति चिन्ह के आसपास ये सरकारी जगह में यदि सरकार ही ऐसे कोई काम करती है जो कि धार्मिक है तो संवैधानिक तौर पे वो गैर संवैधानिक चीज़ हो जाती है और गैर संवैधानिक काम जो है सरकार को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार गैर संवैधानिक काम जो है वो कर रही है। यहाँ पे ये गैर संवैधानिक एक्टिविटी जो है वो सरकार को बंद कर देनी चाहिए या सरकार के साथ जुड़े हुए लोग जो भी करते हैं, उनके साथ मिले हुए जो भी लोग करते हैं, उन लोगों को ये सारी एक्टिविटी तुरंत बंद करनी चाहिए। यदि वे लोग बंद नहीं करते हैं तो भारत के संविधान के हिसाब से कानूनन अपराध करते हैं और उस अपराध के सामने हम लोग कानूनी तौर पे उनके सामने लड़ेंगे
और लड़कर के उनको कानूनी तौर पे हराएंगे, उनको पूरा जवाब देंगे, संवैधानिक तौर तरीकों से जवाब देंगे। तो ये हमारी जो मांगे हैं वो सारी मांगों को सरकार, प्रशासन और उसके साथ मिले हुए लोग जो है ज़रा सा भी हल्के से मत लें। हम हमारी लड़ाई को बराबर लड़ने वाले हैं। हम यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होने वाली हर चीज़ों का विरोध करते हैं और हमारा विरोध जो है वो जारी रहेगा। नरेंद्र परमार, मानगढ़ स्टेशन।